नमस्कार मित्रों, इलेवन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। पतंजलि का मुद्दा बहुत ही छाया हुआ है। पतंजलि के द्वारा जो उनके उत्पाद है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है और कुछ उत्पादों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। यह पूरे मामले को अभी पतंजलि का जो दंत मंजन है उसमें मछली के अंश पाए गए हैं, तो यह मामला सीधे हाईलाइटेड हो जाता है। तो आज के हम पूरे वीडियो सेशन में बात करेंगे कि ड्रग एक्ट अधिनियम 170 क्या है, ड्रग एक्ट नियम 170 क्या है, यह क्यों चर्चा में है, इसमें कौन कौन से ऐसे विधान है जो आज के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान सिनेरियो में काम कर रहे हैं। यह चूंकि करंट का से जुड़ा हुआ मामला है, हाँ, तो आइए हम इसको पढ़ते हैं। ड्रग एक्ट नियम 170 और सुप्रीम कोर्ट, मतलब ड्रग एक्ट 170 पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है या क्या बात कही गई है या किसको फटकार लगाया गया है, इस पूरे मुद्दे पर आइए हम बात करते हैं। जो हमारे चर्चा के पक्ष होंगे उसमें हम खबर की बात करेंगे, उसके बाद ड्रग एक्ट नियम 170 क्या है उसके बारे में जानेंगे, आयुष ड्रग्स विनियम चुनौतियां क्या है और आयुष मंत्रालय का निर्देश क्यों है, इस पर आइए हम बात कर देते हैं। खबर क्या है कि न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति संदीप मेहता द्वारा पतंजलि आयुर्वेद से जुड़े एक मामले में सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। दो न्यायाधीश थे, कौन? हिमा कोहली और संदीप मेहता। पतंजलि आयुर्वेद से जुड़ा हुआ मुद्दा, उस पर सुनवाई हो रही थी। न्यायाधीशों ने नियम 170 पर आयुष मंत्रालय के रूख की आलोचना की, जो आयुष मंत्रालय है उसके रूख पर आलोचना किया। एक्ट 170 पर आयुष मंत्रालय की अधिसूचना यह है कि मंत्रालय ने 1 जुलाई को एक अधिसूचना जारी कर राज्य लाइसेंसिंग अधिकारियों को ड्रग्स एवं कॉस्मेटिक एक्ट के नियम 170 के तहत कार्य नहीं करने का आदेश दिया है। एक नियम है, यह नियम क्या है? ड्रग्स एवं कॉस्मेटिक एक्ट के नियम 170 के तहत राज्य लाइसेंसिंग अधिकारियों को यह कह दिया गया था कि वह कार्य नहीं करेंगे। और नियम 170 का उद्देश्य क्या होता है? तो नियम 170 का उद्देश्य यह है कि आयुष उत्पादों के भ्रामक विज्ञापनों को रोकना। यह पूरा मामला किसका है? भ्रामक जो विज्ञापन कंपनियों के द्वारा दिए जा रहे हैं, उस भ्रामक जो विज्ञापन होते हैं उससे उपभोक्ता परेशान होते हैं। तो इसी को ध्यानगत रखते हुए यह 170 नियम था। कौन कौन सा, क्या इस नियम का पूरा नाम है? तो ड्रग्स एवं कॉस्मेटिक एक्ट का नियम 170। आइए अब इस पर आगे बात करते हैं। ड्रग एक्ट नियम 170, नियम 170 क्या है? जो अनुचित विज्ञापन को नियंत्रित करने के लिए आयुर्वेदिक सिद्ध और यूनानी दवाओं के निर्माण, भंडारण और बिक्री को नियंत्रित करता है। जो ड्रग्स एक्ट का नियम 170 यह क्या है कि अनुचित विज्ञापन, जो अनुचित विज्ञापन भ्रामक विज्ञापन देते हैं, बरगलाने वाले विज्ञापन देते हैं और छोटे में लिख देते हैं कि शर्ते नियम एवं शर्ते लागू, तो जो अनुचित विज्ञापन है उनको नियंत्रित करने के लिए आयुर्वेद सिद्ध यूनानी दवाओं के निर्माण, भंडारण और बिक्री को नियंत्रित करने का काम करता है। आयुष, आयुष का मतलब क्या होता है? एफ आर आयुर्वेदिक यूनानी सिद्ध होम्योपैथी, ये 4-5 जो हमारी औषध की विधियां हैं या मान लो एलोपैथ होम्योपैथ इस तरीके की जो बातें हैं उसको नियंत्रित करने के लिए एक मंत्रालय है, आयुष मंत्रालय, उसका पूरा नाम दे दिया गया है। अब जो आयुष दवा निर्माताओं को अपने विज्ञापन न विज्ञापन करने से पहले राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण से अनुमोदन और एक विशिष्ट पहचान संख्या प्राप्त करनी होगी। इसका मतलब क्या होगा कि अब जो आयुष दवा निर्माता है वो अगर अपनी दवाओं का प्रचार करना चाहते हैं तो राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण है उनसे अनुमोदन लेना पड़ेगा और एक विशिष्ट पहचान संख्या प्राप्त करनी होगी, उसके बाद आप विज्ञापन देंगे। निर्माताओं को पाठ्य संदर्भ, आधिकारिक स्रोतों से तर्क तथा दवा की सुरक्षा, प्रभावशीलता और गुणवत्ता के प्रमाण जैसे विवरण देने होंगे। उसके बाद क्या करना होगा? यदि विज्ञापन में निम्नलिखित बातें शामिल हो तो आवेदन अस्वीकृत किया जा सकता है। अब देखिए, विज्ञापन दिया जाएगा, किसको स्वीकृति मिलेगी, किसको एक कोड मिलेगा, उसके अलावा यदि विज्ञापन में निम्नलिखित बातें लिखी गई होंगी तो विज्ञापन को खत्म भी किया जा सकता है, अर्थात अस्वीकृत किया जा सकता है। वह क्या क्या है? विज्ञापन में निम्नलिखित बातें शामिल हो तो आवेदन अस्वीकृत, पहले अश्लील या अशिष्ट सामग्री की अगर बातें की गई हो तो विज्ञापन को अस्वीकृत किया जा सकता है। यौन अंगों की वृद्धि से संबंधित दावे, यौन अंगों की वृद्धि से संबंधित अगर दावे किए जा रहे हैं विज्ञापन में कि ये दवा खाएंगे तो ऐसा इसका सकारात्मक प्रभाव होगा, तो अगर ऐसे जो दवाइयां हैं उसके विज्ञापन के लिए आप अनुमति मांगते हैं तो इसको अस्वीकृत कर दिया जाएगा।
मशहूर हस्तियों या सरकारी अधिकारियों की तस्वीरें या प्रशंसा पत्र को अगर आप शामिल करेंगे, जैसे मान लीजिए कि राष्ट्रपति के द्वारा या प्रधानमंत्री या कोई महान किसी क्षेत्र का व्यक्ति है, मशहूर हस्ती है, उसके द्वारा आप प्रमाण पत्र लेते हुए देखिए इन्होंने यह दवा खाया और इसका लाभ ये हुआ, और उसके साथ अगर आप विज्ञापन छाप कर आप अपनी दवा को बेचना चाहते हैं तो आपको जो लाइसेंसिंग राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण है वह आपके आवेदन को ही अस्वीकृत कर देगा। सरकारी संगठनों के संदर्भ में भ्रामक या अतिशयोक्तिपूर्ण दावे, नियम 170 को संसदीय स्थायी समिति की भ्रामक दावों के बारे में चिंता और आयुष मंत्रालय द्वारा उपाय किए जाने की आवश्यकता के बाद इसको ला दिया गया है। अब आइए जानते हैं कि आयुष ड्रग विनियम चुनौतियां क्या है, जो आयुष ड्रग्स विनियमन चुनौतियां क्या है, आइए इस पर भी अब हम बात कर लेते हैं। विनियमन चुनौतियां, लाइसेंसिंग आवश्यकताएं क्यों होती है, एलोपैथिक दवाओं की तरह आयुष दवा निर्माताओं को भी औषध नियंत्रक से लाइसेंस प्राप्त करना होता है। ऐसा नहीं है कि जो अगर एलोपैथ की दवा ही बेचते हैं तब भी आपको लाइसेंस की आवश्यकता है, नहीं तो नहीं, लेकिन जो आयुष दवा निर्माताओं को भी औषध नियंत्रक से लाइसेंस प्राप्त करना होता है। अगर आप एलोपैथ की दवा बेच रहे हैं, सिद्ध दवा बेच रहे हैं, यूनानी बेच रहे हैं, आयुष से संबंधित जो जो दवाइयां बेच रहे हैं, तो भी आपको लाइसेंस की आवश्यकता होती है। क्लिनिकल ट्रायल से छूट, आयुष दवाओं को एलोपैथिक दवाओं के विपरीत अनुमोदन के लिए चरण 1, 2 और 3 क्लिनिकल ट्रायल की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आप आयुष दवा बेचते हैं तो आपको एलोपैथ दवाओं से दूर हटकर थोड़ी सी छूट दी गई है, आपको क्लिनिकल ट्रायल के जो तीनों चरण है उससे छूट प्रदान की गई है। अनुमोदन प्रारंभिक ग्रंथों के तर्क पर आधारित हो सकता है। अब सीमित सुरक्षा परीक्षण, केवल उन आयुष दवाओं के लिए अनिवार्य जिनमें विशिष्ट तत्व जैसे सांप का जहर, भारी धातुएं, आर्सेनिक और पारा जैसे कुछ यौगिक शामिल किए जाते हैं। सीमित सुरक्षा प्रशिक्षण की बात कर रहा है कि अगर आयुष में ऐसी दवाएं हैं जिनमें सांप का जहर हो, भारी धातुएं हो, जैसे पारा आर्सेनिक उसमें मिलाया हो, कॉपर हो, सल्फेट शामिल कर दिया जाता हो, तो उसको परीक्षण करने के उपरांत ही उसको लाइसेंस दिया जाएगा। एलोपैथिक दवाओं की तुलना में आयुष दवाओं के लिए कम कठोर नियामक ढांचा व्यापक सुरक्षा और प्रभावकारिता सुनिश्चित करने में चुनौतियां पेश करता है। एलोपैथिक दवाओं की तरह इसमें ज्यादा तूल तमाड़ नहीं है, इसीलिए आयुष दवाएं लोग आसानी से बेच सकते हैं। आयुष मंत्रालय का निर्देश क्यों, आयुष मंत्रालय को निर्देश क्यों है, तो देखते हैं कि आयुर्वेदिक सिद्ध और यूनानी औषध तकनीक सलाहकार बोर्ड जो है उसने मई 2023 में सुझाव दिया कि नियम 170 को छोड़ा जा सकता है, जो आयुष सिद्ध यूनानी औषध तकनीकी सलाहकार बोर्ड जिसको हम ASUDTAB कहते हैं ने इस परिवर्तन की सिफारिश की, क्योंकि स्वास्थ्य और आयुष मंत्रालय द्वारा औषध एवं मैजिक उपचार अधिनियम में संशोधन पर विचार किया जा रहा था जो भ्रामक विज्ञापनों से भी निपटता है। इसके बाद जो इस संदर्भ में के आधार पर आयुष मंत्रालय ने लाइसेंसिंग अधिकारियों को नियम 170 की अनदेखी करने का निर्देश दिया। ये पूरा रहा मामला, मामला क्या था कि भ्रामक दवाइयों के प्रचार से संबंधित यह पूरा मामला था। हमारा ड्रग्स एक्ट नियम 170 क्या था उस पर हमने बात किया, ड्रग्स एवं कॉस्मेटिक्स एक्ट क्या कहता है उस पर हमने बात किया, क्या क्या चुनौतियां हैं, अब आयुष मंत्रालय को किन किन दवाओं को बेचने के लिए लाइसेंस की जरूरत है, किन के लिए परीक्षण क्लिनिकल परीक्षण में छूट दी गई है, किन दवाइयों के लिए क्लिनिकल परीक्षण से छूट नहीं दी गई है, इन सभी मुद्दों पर हमने बात किया। आपको यह हमारा वीडियो सेशन कैसा लगा कमेंट वाले सेगमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसे ही रोज प्रतिदिन हम वीडियोज के साथ उपस्थित होते रहते हैं। अगर आप हमारे नए पाठक, नए दर्शक, नए श्रोता है तो कृपया चैनल से जुड़िए, अपने इष्ट मित्रों तक इस चैनल को शेयर करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जो भी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सके। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।